हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूँ आदित्य पटेल और आप देख रहे हैं बिग बैंग टेक्निकल इन्फो। तो दोस्तों, मैं आज आप सबको बताने वाला हूँ कि कैसे किसी भी बढ़िया से बढ़िया ऐप्स को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। दोस्तों, क्या होता है कि जब हम लोग प्ले स्टोर पर जाते हैं, किसी ऐप को चूज करने, तो वहाँ पे अगर एक कोई भी कीवर्ड लिखते हैं, जैसे कीबोर्ड, गूगल या कोई भी ऐसा पर्टिकुलर ऐप या और कोई दूसरा ऐप, अगर हम लोग कोई बढ़िया से बढ़िया ऐप चूज करना चाहते हैं, तो वहाँ पे इतना भारी लिस्ट आ जाता है कि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस ऐप को डाउनलोड किया जाए, कौन सा बढ़िया ऐप होगा, किसको यूज करने पर हमको किसी भी प्रकार की दिक्कतें नहीं होगी, एकदम फास्टली नॉर्मली रूप से चलेगा हमारे मोबाइल में, और उसमें जो होता है कि एड वेड भी नहीं दिखेगा, क्योंकि एड बार बार आता रहता है, फिर भी उससे हम लोगों को बहुत ज़्यादा इरिटेट होता है। तो दोस्तों, यही सब चीज़ें मैं इस वीडियो में बताऊँगा कि कुछ ऐसे टिप्स बताऊँगा कि जिसके द्वारा आप एकदम बढ़िया से बढ़िया ऐप्स प्ले स्टोर से फाइंड कर सकते हैं। और आपको और भी उसी तरीके से अगर ऐप्स चाहिए होगा, जैसे कि कुछ जो होता है कि ट्रेंडिंग, रैंकिंग, टॉप, जैसे यूट्यूब में आप देख रहे होंगे कि कोई वीडियो ऐसा होता है कि एक बार इसको डाल देते हैं तो उसको बहुत सारे लोग देखते रहते हैं, उसी प्रकार से तो अगर उसको बार बार सब लोग देख रहे हैं, ज़्यादा लोग देख रहे हैं, वैसे तो वीडियो उसी टॉपिक पर बहुत सारे लोग डालते हैं, लेकिन क्या होता है कि कुछ ही वीडियो होती हैं जो रैंक कर जाती हैं, टॉप में होती हैं, तो उसको उस इसका मतलब ये होता है कि उसमें कुछ बढ़िया कंटेंट होता होगा, कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो रहता होगा। तो इसी प्रकार से आपका सोशल मीडिया जो होता है, हर एक क्षेत्र में जितना भी कहीं भी अगर डाटा अपलोड होता है तो वहाँ पर रैंकिंग की चीज़ जरूर आती है, तो उसको ट्रेंडिंग की चीज़ें भी जरूर आती है। तो उसमें कैसे हम लोग पता लगाएंगे कि कौन सा ऐप ऐसा होगा कि जिसमें बढ़िया से बढ़िया कंटेंट है, उसको जो मैं खोज रहा हूँ, जिस ऐप को मैं चाहता हूँ, जिस प्रकार से चाहता हूँ, उस वो सब चीज़ें उस ऐप में अवेलेबल हैं, तो उन सबको कैसे पता लगाएंगे। जैसे आप यहाँ पे इसमें देख रहेंगे स्क्रीन में, मैं कीबोर्ड लिख रहा हूँ, यहाँ पे बहुत सारा लिस्ट आ जा रहा है कीबोर्ड के लिए। तो ऐसे बहुत सारी कंपनियाँ हैं जो एकदम क्वालिटी कंटेंट भी बनाती हैं ऐप्स के रूप में। उसी हिसाब से मैं आपको 5-6 टिप्स बताऊँगा कि किस किस प्रकार से आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको बढ़िया लगेगा तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ सीधे प्रैक्टिकल रूप में कि आप कैसे क्या करेंगे, तब उसके बाद में आपको बढ़िया से बढ़िया ऐप प्ले स्टोर पे मिलेगा। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि कैसे प्ले स्टोर से पता लगाएंगे कि कौन सा बढ़िया ऐप है, किसको डाउनलोड करने पर क्या फ़ायदा होगा, उसमें क्या खासियत होंगी। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना होगा। प्ले स्टोर को ओपन करते ही कुछ ऐसे ऐप डिफ़ॉल्ट मोड में दिखते रहते हैं। अगर आपको कैटेगरी वाइज आपको चूज करना, तो आप यहाँ पे कैटेगरीज में चूज कर सकते हैं जा करके। देखिए, आपको जिस प्रकार से ऐप चाहिए उसको आप पा सकते हैं, लेकिन अगर आपको इस तरीके से नहीं चाहिए, जो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, जो एकदम इसमें रैंकिंग कर रहे हैं, वैसा ऐप्स अगर आपको चाहिए तो टॉप चार्ट्स पे आपको आना होगा। यहाँ पे क्या होगा कि आपको वो सब चीज़ें मिल जाएंगी जैसा ऐप्स आप चाहते हैं, जो कि इस समय ट्रेंडिंग में एकदम चल रही हैं, जैसे टॉप 3 ऐप्स जो हैं ट्रेंडिंग में, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं लाइकी, टिकटॉक, इसका रैंकिंग दिखा रहा है 1st, 2nd, 3rd ऐसे करके, ये सब ऑलरेडी इसमें सबसे आगे चल रही हैं। उसके बाद में आपको ग्रोइंग में देखना है कि अगर आप ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं कि वो जो बढ़ने का चांस जिसका ज़्यादा है, जो बढ़ रहा है, तो इधर आप इसको ले सकते हैं। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद में ये सब चीज़ें दिखाएगा आपको, कौन कौन किस नंबर पे रैंकिंग कर रहा है, ये सब चीज़ें दिखा रहा है, उसके बाद में ट्रेंडिंग दिखा रहा है, ट्रेंडिंग में चल रहा है ये सब। तो इसी तरीके से किसी भी ऐप को आप फाउंड कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि कौन सा ऐप बढ़िया होता है और वह किस स्थान पर ट्रेंड कर रहा है, कौन सा ऐप सबसे ज़्यादा चल रहा है इसमें। और दूसरा तरीका यह है कि जैसे आपको कोई ऐप्स चाहिए तो आप यहाँ कीबोर्ड पर लिखते हैं, जैसे आप लिख दिए कीबोर्ड नाम का कोई ऐप्स हमको चाहिए, तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऐप्स आ जाते हैं। तो इसमें कुछ बढ़िया ऐप्स होते हैं, कुछ बेकार ऐप्स होते हैं, कुछ यूजेबल होते हैं। जैसे ऐप्स तो सबका सेम ही सिस्टम रहता है, वर्क सबका एक ही रहता है, लेकिन कुछ लोग स्लो चलता है, किसी में ऐड चलता है, किसी में क्या रहता है, इस तरीके से। तो आप कैसे जान पाएंगे कि कौन सबसे बढ़िया है? तो जैसे बहुत सारी कंपनियां, जैसे गूगल LLC है, एडिटर्स चॉइस है, ये सब जो कंपनियां हैं, ये सब का ऐप जो है बहुत बढ़िया आता है। तो पहले बात ये हुआ कि आप उस कंपनी के द्वारा ही इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर कीवर्ड पर अगर आप कोई ऐप सर्च कर रहे हैं, तो जो पहले रैंक पे आता है, जैसे यहाँ 1st पे है एक्सप्लोर AI कीबोर्ड,
तो वो तो अभी ऐड चल रहा है, ऐड वाला छोड़ करके जो सेकेंड थर्ड वाले स्थान पे आता है या फोर्थ पे आता है, वो सब समझिए उसको डाउनलोड करेंगे तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि वो टॉप में दिखाता है जो सबसे ज़्यादा यूज हुआ रहता है। तो दूसरा तरीका ये हुआ। उसके बाद में तीसरा तरीका और है बढ़िया ऐप फाउंड करने का। तो यहाँ पे आप इसका ये जो 4.4 स्टार देख रहे हैं, ठीक है, ये जो रेट करते हैं, रेट देते हैं, उस चीज़ से आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा बढ़िया ऐप्स है कौन बढ़िया ऐप्स नहीं है। जैसे यहाँ 4.5 का रेटिंग मिला है, इसको 4.5 का, 4.6 का, तो ये सब जो है मतलब बहुत ज़्यादा रैंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इसमें चल रही हैं और एकदम यूजर फ्रेंडली भी हैं। उसके बाद में अगला टिप मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जैसे आप किसी भी ऐप्स को जब डाउनलोड करने जाएंगे तो आपको पहले उसके बारे में जानना होगा कि वो क्या चीज़ है, कैसे वर्क करता है। तो पहला तो हुआ, आप कीवर्ड में जब सर्च करेंगे तो पहला जो पॉइंट पर मिलेगा उसी को आप डाउनलोड करेंगे। उसके बाद में दूसरा तरीका ये है अच्छा ऐप पहचानने का कि जो जैसे गूगल LLC हुआ, एडिटर्स चॉइस हुआ, और ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो बढ़िया बढ़िया ऐप्स अपलोड करती हैं। तीसरा तरीका ये हुआ कि उसके रेटिंग के द्वारा आप उसको पता लगा सकते हैं कि कितना बढ़िया ऐप है। चौथा ये हुआ कि आप उसको एक बार क्लिक करिए, उसके बाद में उसके यहाँ कमेंटिंग बॉक्स में आ जाइए, रिव्यू में आ जाइए। रिव्यू में देखिए, आई हैव बीन यूजिंग द कस्टम कीबोर्ड, आई जस्ट स्टार्टेड यूजिंग कीबोर्ड, आई एम ड्यूटिंग द कस्टम वन। आप यहाँ पे देख सकते हैं बढ़िया से बढ़िया रिव्यू आपको मिलेंगे, यहाँ पे लाखों लाख रिव्यूज दिए रहते हैं, जिसके द्वारा भी आप एकदम मतलब अच्छा ऐप्स पहचान सकते हैं कि कौन सा ऐप्स अच्छा ऐप्स है। क्योंकि सब लोग मतलब जो यूज़ करते हैं, जिस प्रकार से आप फेसबुक इंस्टाग्राम में फोटो अपलोड करते हैं तो वहाँ पे उसका रिव्यू दिया रहता है कमेंट के द्वारा, उसी हिसाब से यहाँ पे रिव्यू दिया जाता है, मतलब रिव्यू और रेटिंग्स, जो कि ऐप्स को अच्छा मतलब पहचानने के लिए। उसके बाद में ये सब चीज़ें हो गया। उसके बाद में इसमें क्या क्या खासियत रहेगी उस ऐप्स में, तो आप उसके बारे में अगर जानना चाहेंगे तो यहाँ पे रीड मोर पे क्लिक कर दीजिएगा। रीड मोर पे क्लिक करेंगे वहाँ पे आपको मतलब मिल जाएगा सब चीज़ें, इसकी खासियतें, कैसे यूज करता है, ऑपरेट करता है, ये सब चीज़ें उसके बारे में पता लग जाएगा, किस किस भाषा को सपोर्ट करेगा वो और सब चीज़ें। उसके बाद में अगला टिप ये है कि आप इसका डाउनलोड्स देखिए, जो यहाँ पे सेक्शन दिखा रहा है डाउनलोड्स, अब आप देख सकते हैं, आप जान सकते हैं कि अगर इतना ज़्यादा डाउनलोड है तो इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ खासियत ज़रूर होगा, जो कि जनवरी 26, 2015 को ये अपलोड हुआ है, और देखिए कितना ज़्यादा इसका डाउनलोडिंग हो चुका है, रिव्यू भी उसमें सबसे ज़्यादा है, और उसके बाद में उसका रेटिंग्स भी 4.4 का है। तो मतलब ये सब चीज़ें मायने रखता है किसी भी अच्छे ऐप्स को, बढ़िया से बढ़िया ऐप्स को मतलब पता लगाने के लिए। अगला पॉइंट ये होता है इसमें दोस्तों, एक चीज़ और छूट रही है, जो कि आप इसका यहाँ पे जो टूल्स लिखा है गूगल LLC, जो जी बोर्ड द गूगल कीबोर्ड है, उसके नीचे गूगल LLC और यहाँ टूल्स लिखा है, इसके साइड में #1 ट्रेंडिंग, #2 ट्रेंडिंग ऐसे ऐसे दिखाता है, मतलब उससे भी आपको पता चल जाएगा कि ये ऐप किस स्थान पर ट्रेंडिंग कर रहा है। तो मतलब इन सब तरीक़ों से आप किसी भी ऐप्स को मतलब पता लगा सकते हैं कि वो कितना बढ़िया है और मतलब वो कैसे चलेगा, हमारे मोबाइल में सपोर्ट करेगा या नहीं, और सारी चीज़ें मतलब ऐसे पता लगा सकते हैं। क्योंकि अगर हम लोग मतलब कोई भी चीज़ इस पर सर्च करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें दिखा देती हैं, लेकिन हमको करना क्या है वो चीज़ें नहीं पता रहती है। जैसे यहाँ पे अगर मैं मोबाइल लिख दे रहा हूँ तो मोबाइल नाम से कोई बहुत सारा ऐप्स आ जाएगा, आप देखिए गेम आ जाएगा, गेम ऐप्स और सब चीज़ें ऐसे ऐसे। तो मतलब इसी तरीके से आप किसी भी ऐप को मतलब बढ़िया से बढ़िया ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल लगे तो इस इन्फॉर्मेशन को आगे भी शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी इस इन्फॉर्मेशन के बारे में जान सकें। और दोस्तों अगर वीडियो आपके लाइफ में कुछ भी वैल्यू ऐड की हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे इस वीडियो के बारे में अगर कुछ कहना चाहते हैं तो अपना कमेंट दे सकते हैं, और आपके पास कोई क्वेश्चन है किसी टॉपिक से रिलेटेड, टेक्निकल टॉपिक से रिलेटेड, तो उसको कमेंट करिए, मैं उसका जवाब देने का प्रयास ज़रूर करूँगा। और दोस्तों अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसी तरह से मैं आप सबके लिए एक से एक इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन लेके आता रहूँ।